सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और हम हैं मेघालय में और कल पहुँचे हम लोग मेघालय पे यहाँ, और जहाँ हम लोग रुके हैं इस जगह का नाम है चेरापूंजी, और ये है हमारा होम स्टे लिंडो माफलांग होम स्टे। यहाँ हम लोग रुके हैं कल रात को। सो आज हम लोग लिविंग रूट ब्रिज का जो डबल डेकर है उसका ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, तो जाके वहाँ दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है और किस तरीका का ट्रैकिंग है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो मेरे साथ है मेरे पार्टनर आयुष। आयुष और मैं आज नॉन्ग्रेड जो लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैकिंग है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए चल के देखते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो पे बने रहिए। नॉन्ग्रियाट विलेज, नॉन्ग्रियाट डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जो लिविंग रूट ब्रिज डबल डेकर ट्रैकिंग पॉइंट पे। यहाँ से हम लोगों को जो एंट्री टिकट है ये लेके नीचे जाना होगा। तो हम लोग अभी ट्रैक करके जा रहे हैं नीचे। जो टिकट काउंटर है वो कुछ ही दूरी पर है नीचे पे। और ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं ये स्टेप्स पूरा नीचे तक जाएगी, और ये टोटल स्टेप्स 3500 काउंट्स है टोटल स्टेप्स का। सो नीचे जाता तक ये 3500 स्टेप हम लोगों को डाउन जाना पड़ेगा। तो सोचिए किस तरीका का ये ट्रैकिंग होगा। और बहुत ही खूबसूरत गांव के बीच बीच हो के जाना पड़ता है। पूरा खासी विलेज है ये, देखिए चारों ओर बहुत खूबसूरत और बहुत ही साफ सुथरा विलेज है। बनाना खा के क्या होगा पता है हम लोग को, उड़ने लगेंगे अभी लिविंग रूट ब्रिज का। सो सुबह निकले थे हम लोग बिना कुछ खाए। सो अभी आयुष और मैं बनाना खा लेते हैं। आयुष, वेयर इज आवर बनाना? बनाना अभी सुबह हम लोग लिए बनाना, तो अभी बनाना खाएंगे, थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। और जो नीचे जाते वक्त जो बैलेंस आप लोग को करना पड़ता है ना दोनों पैरों का, मजा आ जा रहा है बस। सबका ये क्वाड्स और ये फुट का कमाल है। हाय ब्रो, यू फ्रॉम
Chennai. Oh, nice. Taking a vlog for your channel? Yeah, vlog. I was in Bangalore 5 years. Okay. I went to Chennai also. Okay. Very nice place. Yeah, thank you. People also very nice. Okay, see you. See you. Yeah. तो बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो भी ट्रैकिंग के लिए एक्चुअली ख़त्म ही कर दिया उन लोगों ने ट्रैकिंग अभी करके. सो हम लोग तो जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं क्योंकि कल बहुत थक गए थे. जो करीब करीब 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर कल ड्राइविंग करके, वो भी स्कूटी से हम लोग ड्राइविंग करके यहाँ पहुँचे, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी. तो रेस्ट किया कल, तो आज के दिन हम लोगों ने अपना पूरा जो टूर है वो प्लानिंग किया और शुरू किए. तो आज हम लोग अभी कर रहे हैं लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैकिंग. सो ये विलेज हम लोग आ गए हैं अभी एक, जो लिविंग रूट ब्रिज का जाते समय ये विलेज मिलता है. बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं. टिकट वगैरह का रेट देखिए यहाँ. तो यहाँ से टिकट लेके आप लोगों को नीचे जाना पड़ता है, और यहाँ इस विलेज पे आप लोगों को बहुत सारे होम स्टे भी मिल जाएगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं. और जो इधर के लोकल पीपल है इन लोग के साथ रुक के इनके कल्चर और इस नेचुरल ब्यूटी का मज़ा ले सकते हैं आप लोग. तो चलिए. सो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही डिहाइड्रेट हो गए हैं. देखिए कितना पसीना निकल रहा है. तो यहाँ लेमन जूस, जो फ्रेश लेमन जूस है ये पी के निकलेंगे, थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो जाएगा. और सो लेमन जूस पी रहे हैं, बहुत डिहाइड्रेट हो गए, बहुत ही टेस्टी लेमन जूस है. और ये देखिए बेम्बू का जो नेचुरल ग्लास है इस पर बना के दिया है. सो lemon is the secret of our energy. You from? I'm from Telangana. Oh, Telangana. Mizoram. Mizoram you are studying? Yeah. Okay, which Mizoram University? No, NIT. NIT. Oh, okay. Just recently I came. और कितना प्यारा व्यू देखिए यहाँ का. बहुत ही खूबसूरत जगह. सो ये जो आयरन ब्रिज है इसको क्रॉस करके हम लोग को उस साइड जाना होगा डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए.
देखिए ये नीचे ब्रिज पूरा आयरन ब्रिज है ये, तो इसको ट्रैक करके उस पार जाएंगे हम लोग। और व्यू देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। और ये और एक जो आयरन ब्रिज है इसको भी क्रॉस करके जाना होगा। और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, देखिए बड़ा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। ओह यस, या योर नेम केविन। केविन, या नाइस टू मीट यू। हम लोग पहुंच गए अभी डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के सामने, जो उसके जस्ट बगल में एक सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है। ये देखिए आगे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और यहाँ का व्यू चुम्मेश्वरी कसम से बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत, क्या कहें आप लोगों को। तो हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं अभी जो डबल डेकल लिविंग रूट ब्रिज है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ का, हाउ मच टिकट, 50 50 निकालो पीछे से। सो ये टिकट लिया, और ड्रोन अगर लाते हैं तो ड्रोन वगैरह का भी आप लोगों को फी पे करना पड़ता है यहाँ पे। ये हम लोगों ने ले लिया, तो चलिए अब निकलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, सो हम लोग पहुंच गए अभी डबल डेकल लिविंग रूट ब्रिज। और ये देखिए डबल डेकर रूट ब्रिज में आके ये ड्रोन वायर से टकरा गया, शायद प्रोपेलर भी इसका टूट गया है पूरा। देखते हैं रूम में जाके ये काम देगा या नहीं। सो डबल डेकर का ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रेनबो फॉल यहाँ से। सो ड्रोन मेरा यहाँ क्रैश हो गया, और उसका प्रोपेलर जो है वो भी टूट गया। देखेंगे रूम में जाके अगर चलता है कि नहीं ड्रोन को। तो चलिए आप रेनबो फॉल चलते हैं।
तो यहाँ मिला मुझे मेरे दोस्त मजाओ, जो कि एक टूरिस्ट गाइड है। इनका कॉन्टेक्ट डिटेल भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। करीब करीब बहुत सालों से हम लोग आज जानते हैं एक दूसरे को, पर आज मिले यहाँ पे। सो मजाओ, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट, यस। तो चलिए, बीन नोइंग फॉर 6-7, या 6-7 इयर्स, बट डिडंट इवन मेट, यस, सो फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, नाइस। तो चलिए अब रेनबो फॉल चलते हैं। हाँ, यही फॉल है क्या आगे? भाई पीछे घूमो, इधर पीछे घूम जाओ। जस्ट अभी हम लोग पहुँचे ट्रैकिंग के बाद रेनबो फॉल, और ये देखिए मेरे पीछे ये रेनबो फॉल आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नीचे चल के देखते हैं। तो इतने देर ट्रैक करने के बाद बहुत जोरों की भूख लगी है, तो इधर मैगी खा लेते हैं। मैगी और बॉयल अंडा है, तो 50 रुपया मैगी का और बॉयल अंडा, देखते हैं कितना लेगा। कुछ खा के फिर कुछ शॉट वगैरह लेके फिर निकलेंगे। तो ये देख सकते हैं भैया, मेरी दीदी अपना और ये बन रहा है हम लोगों का मैगी यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? लियोनाथ, नाइस नेम। तो ये है इनका यहाँ पे छोटा सा, पर बहुत सारी चीज़ रखे हैं यहाँ पे दुकान। और यहाँ पे ये बना रहे हैं मैगी, जिसको अभी हम लोग खाएंगे। सो मैगी बन के है रेडी अभी। ये देखिए मैगी और ये बॉयल अंडा, जिनको इन्होंने फ्राई कर दिया है। और ये हम लोग देखिए कहाँ खा रहे हैं, एक इतने खूबसूरत लोकेशन पे बैठ के मैगी खाना बहुत ही अलग फीलिंग होता है। मैगी ये देखिए पीछे रेनबो फॉल। तो इसी वाटरफॉल का नाम है रेनबो फॉल, जहाँ पे रेनबो टाइप एक बन जाता है। अभी दिखाई देगा कि नहीं, पर जब सुबह सुबह जब वे वाटरफॉल नीचे गिरती है तो उस समय पूरा रेनबो टाइप का बन जाता है यहाँ पे। सो ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, और ये आवाज़ सुन सकते हैं आप इस वाटरफॉल का।
सो ये था ब्लॉग रेनबो फॉल और डबल डेकर जो लिविंग रूट ब्रिज है यहाँ का। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि आगे और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ आप लोगों के पास। और बहुत ही सुंदर जगह है, ज़रूर आप लोग अगर मेघालय विजिट करते हैं तो यहाँ ट्रैक करने आइए, क्योंकि ट्रैकिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पर जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत ही सुकून मिलेगा और बहुत ही पीसफुल जगह है। और रेनबो फॉल पे इतना भीड़ भाड़ नहीं है, भीड़ आप लोगों को कम मिलेगा यहाँ पे। तो ज़रूर आइए, इस जगह को विजिट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप ट्रैवलिंग, लव यू। हे हाय, ओ लो 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 लो, बाय बाय।